नमस्कार, मैं आपकी दोस्त लेखक मोटिवेशनल स्पीकर आर्या पाटिल बोल रही हूँ। आपका भगवद गीता न्यूज सेक्शन में स्वागत करती हूँ। आज हम सीखेंगे 12 अध्याय और 17 श्लोक, वो है योन रुष्यति न वेष्टि न शोषति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समय प्रिया। भावार्थ, जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, शुभ अशुभ को नहीं मानता, वो सफल व्यक्ति है। इसका मतलब यो न रुष्यति, जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष्टि, न द्वेष करता है, न शोचति, न शोक करता है, न कांक्षति, न कामना करता है, शुभाशुभ परित्यागी, शुभ अशुभ को नहीं मानता, वो सफल व्यक्ति है। Who does not believe in auspicious, inauspicious and malice is a successful person। मैं आपको इसको इजी में कर देती हूँ। योन रुष्यति, योन रुष्यति, न द्वेष्टि, न शोचति, योन रुष्यति, न द्वेष्टि, न शोचति, न कांक्षति। हमारी एक लाइन हो गई, योन रुष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी, शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समय प्रिया, भक्तिमान्य समय प्रिया। तो हमें दूसरी लाइन भी हो गई और दोनों लाइन हो गई, योन रुष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समय प्रिया। तो हम इसका दो बार उच्चारण करते हैं, यो न रुष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समय प्रिया। और एक बार उच्चारण करते हैं, यो न रुष्यति न द्वेष्टि न कांक्ष न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समय प्रिया। हमें इससे ये सीख मिलती है और शिक्षण में ये बताते हैं कि सफल इंसान के परिभाषा कैसी होनी चाहिए। हरे कृष्णा।